गाइस, क्या कभी आपने अपने हेयर को कॉफी और शैम्पू के साथ वॉश किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करना, आपको इसकी अमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस, एक आपने कटोरी लेनी है, उसमें आपको अपना शैम्पू लेना है जो भी आप अप्लाई करते हो अपने हेयर के लिए, और अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसे लेना है आपको। और फिर इसमें 2 रुपये वाला कॉफ़ी का शैशे मैं ऐड कर दूँगी। शैम्पू के हिसाब से ही कॉफ़ी ले लीजिए। मैं यहाँ पर आधे पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ कॉफ़ी। अब इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूँगी। तब तक मिक्स करना है जब तक ये कॉफ़ी के छोटे छोटे दाने शैम्पू में अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। और गाइस, शैम्पू में जब कॉफ़ी मिला के हम अपने बालों को धोते हैं तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ तो होते ही हैं, साथ ही साथ अगर स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर हेयर फॉल कम हो जाएगा तो बालों की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे हमें यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए पहले, फिर थोड़ा थोड़ा सा लेके अपने बालों के लेंथ में, स्कैल्प में अच्छे से लगाएंगे, फिर हल्का सा बालों में धीरे धीरे से मसाज भी करेंगे ताकि अगर जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो उससे सॉल्व हो जाए, और बाल अगर 2 मुहे हैं तो वो भी ठीक हो जाए। और फिर अच्छे से पानी से हमें इसे वॉश करना है जब तक बालों में से शैम्पू अच्छे से निकल ना जाए, तब तक हमें वॉश करते जाना है। और फिर गाइस, एक बार ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करके देखना, आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा, आपके बाल भी स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी।